दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 अगस्त सन 1960 में रिलीज हुई पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला की एपिक हिस्टोरिकल मूवी मुगले आजम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप ही में से एक मोहम्मद जीसान की रिक्वेस्ट पर है, और अगर आपको भी अपने किसी फेवरेट मूवी के बारे में अननोन फैक्ट जानने हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी मूवी का नाम पोस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी मुगले आजम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी को डायरेक्ट किया था के आसिफ ने, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में मात्र 2 मूवी डायरेक्ट करी हैं, एक सन 1945 में फूल और दूसरी मुगले आजम। हालांकि इन दोनों मूवीज के बाद उन्होंने 2 मूवी और डायरेक्ट करने की कोशिश करी, जिनके नाम है सस्ता खून और महंगा पानी, एंड दूसरी मूवी थी लव एंड गॉड। लेकिन इन दोनों मूवी की शूटिंग के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से वो इन मूवी को डायरेक्ट नहीं कर पाए। वहीं बात करें मुगले आजम की, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था सपोर्ज फिल्लो जी ने, और इस मूवी में म्यूजिक दिया था नौसाद ने। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में हमें पृथ्वीराज कपूर नजर आए थे अकबर के किरदार में, इस मूवी में मधुबाला नजर आई थी अनारकली के किरदार में, इस मूवी में दुर्गा खोटे नजर आई थी हमें जोधा भाई के किरदार में, और इस मूवी में दिलीप कुमार ने किरदार निभाया था शहजादे सलीम का, और इस मूवी में हमें मुराद, निगार सुल्ताना, अजीत, जिल्लो भाई और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार भी देखने को मिले थे। चलिए दोस्तों, अब बॉक्स कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुगले आजम मूवी को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को बनाने में लगभग 1.5 करोड़ का खर्च आया था और इस मूवी ने टोटल 11 करोड़ की कमाई करी थी, और ये मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। दोस्तों, मुगले आजम मूवी ने सन 1960 में 11 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। अगर इस मूवी की तुलना आज के समय के हिसाब से की जाए तो आज के समय में इस मूवी की कमाई 2500 करोड़ रुपए होती, जो कि भारत की सबसे बड़ी मूवी बाहुबली और दंगल से कई ज्यादा है। इसीलिए इस मूवी को भारत की सबसे महान मूवी का दर्जा प्राप्त है। चलिए दोस्तों, करते हैं हिस्ट्री को रिवाइंड, जाते हैं 1960 में और जानेंगे इस मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का फैक्ट नंबर 1 आपके लिए बोनस फैक्ट होने वाला है, क्योंकि इस फैक्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक रेयर वीडियो, जिसको देख के आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि इस मूवी के लिए क्यूरियोसिटी लेवल किस तरह का था। घंटों पहले 2-2 मील लंबी कतारों में खड़े हो गए। कई मंचलों ने तो दिनों पहले अपनी कतारों में बिस्तर भी बिछा दिए। फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में किसी तस्वीर के लिए ऐसा हुजूम न पहले कभी आंखों ने देखा और न शायद आइंदा देख सके। दोस्तों, मुगले आजम मूवी रिलीज हुई थी 5 अगस्त सन 1960 को, और इस मूवी के रिलीज होने के ठीक एक दिन पहले मुंबई के थिएटर मराठा मंदिर के सामने का नजारा देखने लायक था। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के लिए आए थे, जो कि फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते थे। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी बम्पर लगी थी जो कि आज तक किसी भी मूवी के लिए नहीं लगी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों उर्दू के एक महान नाटककार थे जिनका नाम था इम्तियाज अली। उन्होंने साल 1922 में एक नाटक बनाया था जिसका नाम था अनारकली। इस नाटक से इंस्पायर्ड होकर साल 1928 में एक साइलेंट मूवी बनाई गई थी अनारकली नाम से, और बाद में सन 1935 में अनारकली नाम से मूवी बनाई गई थी जिसमें आवाज़ भी थी। और इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ ने अपनी मूवी मुगले आजम के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सन 1946 में के आसिफ ने अपनी मूवी मुगले आजम पर काम करना चालू किया। उन्होंने अकबर के रोल के लिए चंद्रमोहन को चुना, सलीम के रोल के लिए डी के सप्रू को साइन कर लिया, और नरगिस को अनारकली के रोल के लिए साइन कर लिया, और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले थे सिराज अली। लेकिन सन 1947 में भारत का विभाजन हो गया, फिल्म के प्रोड्यूसर सिराज अली को पाकिस्तान जाना पड़ गया, और फिल्म के एक्टर चंद्रमोहन जो कि अकबर का रोल प्ले करने वाले थे उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। फैक्ट नंबर 4, लेकिन इसी बीच कमल अमरोही जिन्होंने अनारकली नाटक लिखा था, जब उनको ये पता चला कि आसिफ जो कि मुगले आजम मूवी बना रहे थे अब वे इस मूवी पर काम नहीं कर रहे हैं और ये मूवी ठंडे बस्ते में चली गई, तो कमल अमरोही ने खुद इस मूवी को डायरेक्ट करने का फैसला किया और वे इस मूवी पर काम करने लगे। लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि नहीं, वे अभी भी इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो कमल अमरोही ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया और उन्होंने उनकी बात मानकर इस मूवी को नहीं बनाया। वहीं दूसरी ओर साल 1953 में नंदलाल जसवंत लाल ने बीना राय और प्रदीप कुमार को लेकर अनारकली नाम से मूवी रिलीज कर दी, जो कि मुगले आजम कहानी पर ही बेस्ड थी, और ये मूवी सन 1953 की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी, और इस बात से के आसिफ को काफी धक्का लगा था। फैक्ट नंबर 5, के आसिफ इस मूवी को किसी भी हालत में बनाना चाहते, लेकिन उनके सामने समस्या थी इस मूवी का बजट, क्योंकि इस मूवी का बजट काफी ज्यादा हाई था और कोई भी प्रोड्यूसर इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आखिर थक हार कर वे मुंबई के बिजनेस टाइकून सफोर जी फिल्लो जी के पास पहुंचे,
जो फिल्मों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते थे, लेकिन उनको फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो और फिल्म दोबारा से रिस्टार्ट हुई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ अपनी इस फिल्म में सलीम के रोल के लिए दिलीप कुमार को नहीं लेना चाहते थे और दिलीप कुमार भी इस रोल को नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच की कड़ी थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर। इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे और वे चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में दिलीप कुमार हों, और उन्होंने इस बात के लिए फिल्म के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करा और तब जाकर फिल्म के डायरेक्टर ने अपने इस फिल्म में दिलीप कुमार को लिया और इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान की भयंकर गर्मी में शुरू हुई। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस फिल्म में अनारकली के रोल के लिए सुरैया जी को अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में बात नहीं बनी और मधुबाला को इस फिल्म के लिए ले लिया गया। और दोस्तों उन्हीं दिनों मधुबाला को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वे सेट पर बेहोश हो जाया करती थी और उनको स्किन की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राजस्थान की भयंकर गर्मी में अपने सीन्स को कम्प्लीट किया और शूटिंग पूरी करी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस मूवी में अकबर का किरदार निभाया था पृथ्वीराज कपूर ने। इस किरदार के लिए उन्हें काफी भारी कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते थे और अपनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें नंगे पैर चलना था, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले तक पड़ जाते थे। जब फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ को यह पता चला कि नंगे पैर चलने की वजह से पृथ्वीराज कपूर के पैरों में छाले तक पड़ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी चप्पलें त्याग दी और पूरी फिल्म को डायरेक्ट नंगे पैर ही किया था, और साथ ही साथ वे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हमेशा जमीन पर ही सोया करते थे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों मुगले आजम मूवी में म्यूजिक दिया था नौशाद ने। इस मूवी में 49 मिनट के टोटल 10 गाने थे और 10 गानों में से जब प्यार किया तो डन्ना क्या, पनघट में और मोहम्मद जिंदाबाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब प्यार किया तो डन्ना क्या इस गाने को बनाने में लगभग 10 लाख का खर्च आया था। उस समय 10 लाख में 2 मूवी बन जाया करती थी और इस गाने को लगभग 105 बार लिखा गया था, तब जाकर फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने इस गाने को अपनी फिल्म के लिए फाइनलाइज किया था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो फिल्म से जुड़े लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी ने फिल्म की शूटिंग के बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने फिल्म की शूटिंग के बीच में ही दिलीप कुमार की बहन से शादी कर ली थी और उनकी मैरिज लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उनकी और उनकी वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। इन्हीं झगड़े को सुलझाने के लिए दिलीप कुमार एक बार के आसिफ के घर पहुँचे, जहाँ पर के आसिफ ने दिलीप कुमार से ये बोल दिया कि अपने स्टारडम को मेरे घर से बाहर ही रखना। इसके बाद दिलीप कुमार वहाँ से चले गए और जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो दिलीप कुमार वहाँ भी नहीं गए थे। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों मुगले आजम मूवी को 12 नवंबर सन 2004 में दोबारा से कलर करके रिलीज़ किया गया और साथ ही साथ ये पहली ऐसी मूवी बन गई जिसे भारतीय सिनेमा में दोबारा रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के 150 प्रिंट रिलीज़ किए गए थे, जिसमें से 65 प्रिंट महाराष्ट्र में ही रिलीज़ किए गए थे। इस फिल्म को साल 2004 में वीर ज़ारा और एतराज के साथ रिलीज़ किया गया था। इसके बावजूद ये मूवी साल 2004 की 19वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई थी। और इस बार जब इस मूवी का प्रीमियर रखा गया था तो दिलीप कुमार ने इस प्रीमियर को अटेंड किया था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों जब मुगले आजम मूवी को दोबारा रिलीज़ किया गया था तो फिल्म के एंड क्रेडिट को जोड़ दिया गया था। फिल्म के एंड क्रेडिट में उनके नाम शामिल किए गए थे जिन्होंने मुगले आजम मूवी को कलर किया था। दोस्तों मुगले आजम मूवी को पूरा बनने में 16 साल का समय लग गया था और उस समय कोई VFX भी नहीं होता था, इसलिए फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए 2000 ऊंट, 4000 घोड़े, तोप और सेना के सिपाहियों को इंडियन आर्मी की परमिशन से लिया गया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में जितने भी आभूषणों का यूज़ हुआ था उन्हें हैदराबाद के सुनारों ने बनाया था और इस फिल्म में राजस्थान के लोहारों ने बेड़ियों को बनाया था और ये सारी चीज़ें रियल थी, किसी भी फेक आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था इस फिल्म में। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों इस फिल्म में तबला वादक जाकिर हुसैन ने यंग दिलीप कुमार का किरदार निभाया था। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों इस फिल्म में भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उसे सोने की बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सभी सीन को 3-3 बार शूट किया जाता था। इन सभी सीनों को हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में शूट किया जाता था ताकि इस फिल्म को तीनों भाषाओं में रिलीज किया जा सके। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग पूरा होते होते फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के प्रोड्यूसर कर्ज में आ गए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर मोहम्मद अली जिन्ना के रिश्तेदार थे और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के घर को गिरवी तक रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ भी कर्ज में थे और उनकी अच्छाई ये थी कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जितनी बार भी पान मसाला सिगरेट खाया इसके पैसे उन्होंने अपनी जेब से दिए, ना कि उन्होंने प्रोड्यूसर के बजट में से ये सब काटा। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों इस फिल्म का गाना था ऐ मोहम्मद जिंदाबाद। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और उनके पीछे पीछे 100 सिंगर्स ने कोरस गाया था।
फैक्ट नंबर 19, साल 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद पाकिस्तान में रिलीज हुई ये पहली भारतीय मूवी थी। जी हाँ दोस्तों, मुगले आजम मूवी को पाकिस्तान में रिलीज किया गया था और ये मूवी पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, काला बाजार मूवी जो कि देवानंद साहब की मूवी थी, इस फिल्म में एक सीन था जिसमें देवानंद साहब फिल्म का टिकट ब्लैक करते हैं। दोस्तों इस फिल्म के सीन में मुगले आजम के प्रीमियर के फुटेज यूज किए गए थे। फैक्ट नंबर 21 दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ बड़े गुलाम साहब को अपनी फिल्म में एक गाना गवाना चाहते थे, लेकिन बड़े गुलाम साहब फिल्मों में गाना नहीं गाते थे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ को कई बार मना किया, लेकिन कई के आसिफ साहब मानने को तैयार नहीं थे। के आसिफ लगातार उनके पीछे पड़े थे, इसलिए बड़े गुलाम साहब ने एक भारी भरकम फीस बना दी कि अगर आप मुझे 25,000 रुपये देंगे तो ही मैं इस फिल्म में गाना गाऊंगा। क्योंकि बड़े गुलाम साहब जानते थे कि ये फीस काफ़ी ज़्यादा है और कोई भी डायरेक्टर इतनी ज़्यादा फीस नहीं देगा, क्योंकि उस समय में 500 रुपये में लता रफ़ी मुकेश जैसे कलाकार गाना गा देते थे। लेकिन के आसिफ कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने 25,000 रुपये देकर बड़े गुलाम साहब को अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।